मानेम इस वक्त जो है हम कराची ताज़ी तहरीक जो है शर्जील कोपलानी साहब की उसमें चल रही सरपरस्ती में पूरे कराची की जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं वो मुख्तलिफ औकात में आते जा रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे पास नाना रईस साहब हैं जो कि हॉल एंड बैंक्यूट एसोसिएशन के सदर भी हैं। इनसे हम इनके ख्यालात का इजहार लेते हैं कि जो कराची ताज़ी तहरीक है इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया ले रहे हैं आप। देखें हम यहाँ पे जो आए हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद इनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए। इस वक्त जो पाकिस्तान की और खुसूसन कराची की जो इकॉनमी की हालत है आपके सामने है, ये बहालते मजबूरी इस वक्त जो है ये तमाम ताजर जो बड़े बड़े ताजर आपके सामने हैं जो बैठे हुए हैं रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर, ये बहालते मजबूरी बैठे हुए हैं। देखिए गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए कि ये ताजर है, इस ताजर की वजह से ही इनको इतना टैक्स मिलता है, ये मुल्क चलता है। अगर ये ताजर ही खुश नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है। ये रातों को जो पॉलिसीज बनाते हैं और रात ही के अंदर पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, ये नाजायज़ है, ये गलत है। कोई भी पॉलिसी बनाते हैं इनको ताजरों को एज आ स्टेक होल्डर्स एतमाद में लेना चाहिए और ताजरों के साथ मुशावरत करके जो इकॉनमी के लिए पॉलिसी अच्छी बन सकती है उसके ऊपर लायामल बनाना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। देखिए इस वक्त जो है ना एक अजीब सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से भी इकॉनमी की हालत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को भी ताजरों का साथ देना चाहिए और ताजरों के साथ बैठ के मुल्की मसाइल को हल करने के लिए जो है वो यकजुट होना चाहिए। अभी होता क्या है, गवर्नमेंट कभी कुछ कहती है और दूसरे दिन जो है वो अपने अल्फाजों को वापस ले लेती है। ताजर इसमें भी बहुत परेशान है कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें और अपने कारोबार को बेहतर करें, जबकि आपके सामने गवर्नमेंट कहती है कि जी पेट्रोल जो है वो हम नहीं जो है वो बढ़ा रहे हैं और वो आधी रात को जो है पेट्रोल के प्राइस जो है वो उसके फ्लक्चुएट कर देती है और वो बढ़ा देते हैं। ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट अपनी जो है वो बातों के ऊपर पूरा नहीं उतरती तो ये ताजिर मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट इनको लॉलीपॉप देती आ रही है, ये समझ चुके हैं कि हमारा हाल इस वक्त जो है वो जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो नुकसान या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं किए जाएंगे। खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस वक्त जो माशी परेशानियां हैं, माशी परेशानियों को निकालने में मैं समझता हूं कि